नमस्कार दोस्तों, ऑरेंज वायर में स्वागत है। मैं हूं दिवाकर। आज मैं बात करूंगा यूरोपियन यूनियन ने भारत में हो रहे मणिपुर राज्य में हिंसा की आलोचना की है और उसमें एक दखलंदाजी अपना दिया है कि भाई मणिपुर में अल्पसंख्यकों की यूरोपियन यूनियन इसके खिलाफ विरोध दर्ज कराती है या भारत सरकार से कहती है कि इसे ठीक करें। ये वैसा ही है जैसे हमारे यहाँ एक कहावत है, सूप ने चलनी की आलोचना की। चलनी जिसमें खुद सैकड़ों छेद है, या चलनी ने सूप की आलोचना की, इसे उल्टा कहें, जिसमें सैकड़ों छेद है, वो सूप जो उससे काफी बेहतर है, वो कूड़े कचरे को निकालने में का सामर्थ्य रखता है, उसकी आलोचना करता है। यूरोपियन यूनियन का ठीक वैसा ही हाल है। आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और धार्मिक रूप से, सांस्कृतिक आधारभूत संरचना जो चर्च का है, जो उसकी परिकल्पना है, वो ऐसे रिजोल्यूशन की तरफ किसी भी ईसाई देश के सरकार को ले जाती है। चूंकि मणिपुर में जो संघर्ष हो रहा है वो साफ तौर पर क्रिश्चियन और मैतेई के बीच हो रहा है, जो कि हिंदू है, क्योंकि क्रिश्चियन जो कि आतंकवादी संगठन के रूप में वहां काम कर रहा है, अभी भी अत्याधुनिक हथियारों से वो हिल एरिया से मैतेई हिंदू के घरों पे लगातार गोलीबारी कर रहा है। और अब तो ये स्पष्ट हो चुका है, वहां के स्थानीय लोगों ने भी मीडिया में रिपोर्ट किया है और सरकार ने भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने भी आरोप लगाया है कि इसमें ड्रग और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के षड्यंत्रों का भरपूर योगदान है। अब क्रिश्चियनिटी और मिशनरी के दो उद्देश्य होते हैं, एक तो ये है कि वो बिलीवर है तो सर्वश्रेष्ठ है। देखिए, ये मानसिकता, ये मनोवैज्ञानिकता, ये धार्मिक अवयव जो है, ये पूरी तौर पर चाहे वो कितना भी उदार चरित्र लेके विश्व के सामने खड़ा हो जाए, ये उसके भीतर जीवित रहता है। और दूसरा, पूरे विश्व में मिशनरी और चर्च के द्वारा एनजीओ के नाम पे एक संगठन का ऐसा जाल रचा हुआ है कि कहीं भी किसी एक क्रिश्चियन को, भले ही वो गलत क्रिश्चियन हो, उसके ऊपर यदि कुछ एक्शन होता है तो उसे भी धार्मिक प्रताड़ना के रूप में एक समाचार बना के पूरे विश्व में भेजा जाता है, टेलीग्राम के तौर पे एक चर्च से दूसरे चर्च में भेजा जाता है या दूसरे संगठन को भेजा जाता है। इसके रिपोर्ट करने की एक बाकायदा तरीका है और यह सब फाइल होके एक रिपोर्ट के तौर पे किसी सरकार के पास पहुंचती है। अब जैसे यूरोपियन यूनियन में 10 देश हैं तो 10 देश के सरकार के पास पहुंचेगी, उसका एक प्रोटोकॉल है। इन्हीं रिपोर्टों के आधार पर वहां की सरकारें दूसरी सरकारों को नसीहत देती है, जबकि यूरोप, और मैं यहाँ इंक्लूड करना चाहूंगा अमेरिका और ब्रिटेन को भी, जहां हर दिन आज भी क्रिश्चियन के ऊपर यहूदियों के ऊपर हमले होते हैं। अमेरिका में जब कभी सिनेगॉग के ऊपर हमला हो जाता है, कोई पूछने वाला नहीं। ब्रिटेन में 50,000 ब्रिटेन की कम उम्र की लड़कियों के साथ अत्याचार हो रहा है, रेप हो रहा है, लेकिन उस समाज का, उस सरकार का इतनी हिम्मत नहीं है, उसमें ये साहस नहीं है वो रेप को रेप कह सके, बलात्कार को बलात्कार कह सके। वो इसे दूसरे तरीके से कहता है, ग्रूमिंग के अपने बच्चियों के ऊपर हो रहे अत्याचारों को, के सच्चाई को बोलने से डरने वाला समाज, यूरोप, ब्रिटेन और अमेरिका का समाज आज भारत को नसीहत देने की कोशिश करता है, तो उसे ये समझ लेना चाहिए आज का भारत बदला हुआ भारत है। भारत के विदेश मंत्रालय ने और उसके विदेश सचिव ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यूरोप को वो सारी बातें वापस कर दी। उन्होंने कहा ये भारत के आंतरिक मामले में दखल अंदाजी है और भारत इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, और यूरोप को अपना कीमती वक्त अपने समाज की सुरक्षा और उसके बेहतरी में लगाना चाहिए, न कि
भारत के अंदर क्या हो रहा है उसमें ताक झांक करने के ऊपर लगाना चाहिए। यूरोप को फ्रांस में लगे आग की राख को अभी संभालना चाहिए और जर्मनी में हो रहे आए दिन घटनाओं को देखना चाहिए और अन्य देश जो उसके पड़ोस में है, ब्रिटेन में, अमेरिका में, वहां की कम उम्र की लड़कियों के ऊपर हो रहे लगातार अमानुषिक अमानवीय अत्याचार को समाज के सामने, विश्व के सामने रखने का साहस पैदा करे यूरोप और अमेरिका, और फिर ह्यूमन राइट्स की बात करें और रिलीजियस फ्रीडम की बात करें, वरना यूरोप, अमेरिका और ब्रिटेन को अब किसी भी तरह के ह्यूमन राइट्स और फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करने का कोई औचित्य नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करने का कोई मॉरल ताकत उसके पास नहीं है। जो समाज अपने ही जनता का की आवाज़ को दबाने के लिए इस्लामोफोबिया जैसे कानून को लाता है, वो समाज दूसरे देशों को क्या नसीहत दे सकता है। इसलिए अब समय बदल गया है, यूरोप के लोगों को और सरकारों को ये समझना होगा, उसे औपनिवेशिक मानसिकता से बाहर निकलना होगा और भारत की जो ताकत है उसे स्वीकार करना पड़ेगा। धन्यवाद दोस्तों, आज के अंक में